अच्छा बेटा जी, जैसा कि हमने एक वीडियो सीरीज का आगाज किया था जिसमें मैं चैप्टर वन जो है उसको करवा रहा था, फेडरल कोड का एस एल बेस्ड हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोडरेशन। क्या है मोडरेशन? अब सबसे पहले टाइटल पे अगर फोकस करें ना, मोडरेशन इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है, जैसा कि आपने लिखी हुई, उस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हमने बैलेंस किया है। क्या ये बैलेंस्ड है? यस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपने देख लिया है। रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से? अब इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा डेफिनेशन पे, क्या डेफिनेशन है? द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट उनके बीच में जो रेशियो है उसको मोल रेशियो कहते हैं। याद रखना है कि मोल रेशियो हमेशा मोल्स के आते हैं। तो लेट्स सपोज कि एग्जांपल मैंने यहां पे दी हुई है, इस एग्जांपल को अगर फोकस करें, यहां पे आपके पास CH4 है, यहां पे आपके पास O2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, मतलब मैं इसके लिए को बर्न कर रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। मीथेन का 1 मोल है इसके साथ, 1 होता है 1 मोल ऑक्सीजन के, 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स मेंशन कर दिए, H2O के 2 मोल्स बन रहे हैं और साथ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरा जो रिएक्टर CH4 है ये कितने मोल्स H2O बना रहा है, तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें 1 मोल है CH4 का, ये 2 मोल बना रहा है वाटर। इसी तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछे कि सर इसी इक्वेशन में ऑक्सीजन और वाटर की मोल रेशियो क्या है, मैं कहूंगा इसी इक्वेशन में 2:2 की रेशियो है, क्योंकि ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स हैं और वाटर के भी। तो इस तरह हम मोल रेशियो को डिस्कस कर सकते हैं। अब मोल रेशियो तो हमें अंडरस्टैंड हो गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी है। बस हमने इक्वेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो लिखनी है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स देख लेने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देख लेने हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इस तरह का जो मोल रेशियो है पहचान में बैठा, इसमें आपको एक चीज के मोल्स दिए गए होंगे, आपने दूसरी चीज के मोल्स फाइंड करने हैं। क्या करना है? एक चीज के मोल दिए गए होंगे, आपने दूसरी चीज के मोल्स फाइंड करने। लेट्स गो, एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है यहां पर। क्वेश्चन ये है, हो सकेगा कि आपके पास ये एक रिएक्शन है, इसमें मैं कहता हूं कि भाई आपके पास 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ CH4, CH4 के 2 मोल्स हैं, आर बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस कि 2 मोल CH4 के हैं, उसमें ऑक्सीजन बर्न कर दिया। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड। बैठे समझ आ रहा है ना आपको कि उसके CH4 के मोल्स आपको दे दिए हैं और H2O के मोल्स पूछ रहा है कि कितने प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाई इसी है, सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो सकता है उसने आपको वो भी पेपर में दी हो, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी है, इसको आप फोकस कर लें। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन CH4 गिवन है, इधर आप CH4 लिख लें। रेशियो फाइंड क्या करना है? H2O के मोल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसको लिखिए, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है। बैलेंस इक्वेशन तो ये बता रही है इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है, हमें इसके कितने दिए हैं? हमें इसके 2 मोल दिए हैं CH4। तो हम कहेंगे कि अगर इसका 1 मोल इसके 2 बना रहा है, अगर इसके 2 मोल हो जाए तो इसके कितने बनेंगे? 2 × 2 = 4। तो इस तरह बेटा हम किसी भी चीज के मोल्स निकाल सकते हैं बाय मोल रेशियो में। मोल रेशियो में कितना इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया। यहां पे आपको मैंने नाइट्रोजन दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 मोल्स ऑफ अमोनिया।
ये आपके पास बैलेंस के अंदर इक्वेशन है, किसके फाइंड करने हैं, किसके गिवन है। तो पहले आप बैलेंस के अंदर इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अपने जो गिवन होता है ना डेटा, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड पर दिया जाए। अब अमोनिया गिवन है, मतलब लेफ्ट साइड पे लिया, रेशियो नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसको मैंने क्या किया, राइट साइड पे लिख दिया। याद रखिए बात, जो चीज के मोल्स गिवन है उसको लेफ्ट साइड पे लिख दें, जिसके फाइंड करने हैं उसको राइट साइड पे लिख दें। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके टू मोल्स बन रहे हैं, इसके वन मोल्स, ऐसे ही देखो इसके टू से बन रहे हैं, इसके टू जो है इसके वन से बन रहे हैं, अमोनिया के टू मोल्स इसके वन से बन रहे हैं। अमोनिया का वन इसके कितने से बनेगा, ये टू से जाकर डिवाइड हो जाएगा, वन बाई टू। अमोनिया कितने बनाना है आपने, फाइव। वन बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, तो फाइव बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, वन बाई टू मल्टीप्लाई फाइव। आप कह रहे हैं यहाँ पे 2NA, ठीक है।
12 कितना आता है आपको पता है, 12.04 मल्टीप्लाई 10 रे पावर 23, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाई 10 रे पावर 22। मॉलिक्यूल का आपके पास है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम किसके एक्सपो। बड़ा जरा फोकस कीजिएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर काउंट कर लेते हैं, 2 एच एन 1 ऑक्सीजन 3, 1 मॉलिक्यूल है 3 एच एन 1 एच टू ओ मॉलिक्यूल हैज एटम्स, कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर 3, तो इतने मॉलिक्यूल से कितने होंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम 1 का भी 1.1 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स विल हैव एटम्स 3 × ये नंबर। तो इस तरह बेटा आपके पास ये वाला जो है वो भी सॉल्व होके आए। इस तरह बिल्कुल इसी तरह कोई भी डिफरेंट चीज नहीं है, बड़ी ही आसान है, पजल आती है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फाइंड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे फाइंड। आपको पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, चलिए मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे इतने से बॉक्स में। आपको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और दो लोन के ऊपर। अब सेम आप यही सेम देखेंगे, 1H2O मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड, क्या आंसर आएगा 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड है 2। तो बेटा इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड होंगे, 2 मल्टीप्लाइड दिस नंबर। इसकी मतलब वही है ना कि अब मैं कहता हूं बेटा मेरे पास है ना, मैं सुपर से एग्जांपल है, मेरे पास टोटल 6 पॉकेट्स हैं, कितनी पॉकेट्स हैं 6 पॉकेट्स, हर एक पॉकेट में 10 रुपए है, टोटल 6 पॉकेट्स हैं, हर एक पॉकेट में कितने हैं 10 रुपए, तो मेरे पास सारी पॉकेट्स में कितने होंगे, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हर इसमें भी 10, इसमें भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, लगा लो आप 10, 10, 20, 40 और ये 60। तो यही हमने किया है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं 2 बॉन्ड, कितने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे उनसे मल्टीप्लाई करना, ये था ये। अब एच एटम की बात चले, ये हुई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एच एटम हैं, काउंट कर लो एच ओ एच, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एच एटम है, कितने एटम है 2, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एच एटम होंगे, आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, आंसर आ जाएगा, समझ आ रही है ना। इसी तरह हम कहता है ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन एटम, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे, इतने, मैं कहता हूं मेरे पास 6 पॉकेट्स हैं, हर एक पॉकेट में एक ही पेयर है, मेरे पास टोटल कितने पे 6 है भाई, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने ही ऑक्सीजन एटम। अब ये वाला क्या बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये जरा मुझे बताइए कैसे करेंगे, चलिए काउंट करते हैं, H2O के अंदर बेटा 2 होते हैं H, ठीक है, जिसका कॉमन नंबर कितना है 1, 1, और एक होता है ऑक्सीजन जिसका कॉमन नंबर कितना होता है आपको पता है 1। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, 2 और ये 8, तो कितने एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज इलेक्ट्रॉन्स 10, इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे 10 से मल्टीप्लाई करो। तो ये बेटा इतना आसान कैलकुलेशन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब ये सारी चीजें मैंने कर दिया इसलिए करके आपको दे दी ताकि आप स्पून से प्रैक्टिस करें और इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको देता जाऊंगा, लेकिन जब आप ये सभी चीजें आसानी से डिटेल से कवर कर लेंगे वीडियो को बार बार देख के इसको रिपीट करके, तो आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपको ना आता। अब मिलते हैं चला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।